लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम माय टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर मैंने लगवा रखी हैं गाड़ियाँ बहुत सारी, जो कि आप सभी की डिमांड रहती है, जैसे कि इनोवा हो गई, उसके अलावा ज़ैलो हो गई। तो आज इस वीडियो में आपको इनोवा और ज़ैलो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ी खड़ी हैं और ये सारी गाड़ी की डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी गाड़ी की डिटेल हम बताएँगे, कौन सा ओनर है, कौन सा मॉडल है, सारी चीज़ें। और हमारे साथ हैं सईद भाई, न्यू बाराबंकी कार बाज़ार से। और सईद भाई, आज हमें दिखाने वाले हैं ये सारी गाड़ियाँ, और सबसे पहले हम बता देते हैं कि सईद भाई, रेट फिक्स नहीं रहेगा, निगोशिएबल रहेगा, तो जो भी आएगा ऑन टेबल यहाँ पर बात करेगा, रेट कम हो जाएगा। जो ऊंचे मॉडल में गाड़ियाँ हैं 2010 से ऊपर जो है, वो फाइनेंस भी हो पाएंगी, है ना। फाइनेंस के लिए ऑल यूपी फाइनेंस भाई के यहाँ है। अगर आपके पास आपका बिजनेस अच्छा है और आपका ITR भी है, ITR भी आप भरते हैं, उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका आसानी से हो सकता है। प्राइवेट में ITR मेन है, ITR चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, आइए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वाइट कलर में इनोवा जो कि खड़ी है यहाँ पर। और कौन सा मॉडल है? 2009 मॉडल है। तो 2009 मॉडल है, गाड़ी की कंडीशन बताइए भाई क्या है? पूरी ओरिजिनल पूरी की बेहतरीन फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है और गाड़ी का पेंट ओरिजिनल है। तो फर्स्ट ओनर है, पेंट ओरिजिनल है, और इंश्योरेंस अभी है इसका? अभी इंश्योरेंस है, तो अभी इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएगा इसमें। और वेरिएंट कौन सा है? ये है सेकंड टॉप है। ये इसमें एयरबैग वगैरह है? एयरबैग नहीं है, सेकंड टॉप है ये, एयरबैग इसमें नहीं मिलेंगे आपको। और ये गाड़ी 2009 मॉडल है, 70,000 चली। कितनी चली? 70-75,000 चली है। अच्छा, ओनर फर्स्ट है गाड़ी का। तो क्या प्राइस हमारे लोगों के लिए हो जाएगा जो हमारे चैनल के माध्यम से आएंगे? 4,10,000 रुपये। तो दोस्तों, 2009 मॉडल इनोवा है, इसका डिमांड जो भाई कर रहे हैं वो 4,10,000 रुपये कर रहे हैं, जो कि निगोशिएबल प्राइस है, फिक्स प्राइस नहीं है। आप यहां पर आएंगे, ऑन टेबल बात करेंगे तो गाड़ी का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन है, अंदर से आपने देखी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, चारों तरफ से गाड़ी में कहीं भी डेंट नहीं है, गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन ओरिजिनल पेंट पर है। तो आइए दूसरी भी इनोवा आपको दिखाते हैं फटाफट। तो दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं एक दूसरी इनोवा, जो कि गाड़ी की बात करें तो सबसे पहले भाई ये बताइए कि ये गाड़ी कैसी है और मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है 2005, सेवन सीटर है। सेवन सीटर 2005 मॉडल, 2005 मॉडल है, सेवन सीटर है, 85,000 किलोमीटर चली, 85,000 केवल ये गाड़ी चली, जेन्युइन चली, ऑन रिकॉर्ड चली है। तो ऑन रिकॉर्ड 85,000 चली है, जिसकी ये गाड़ी है, भाई बोल रहे हैं कि वो बाहर रहते थे 6-7 साल, गाड़ी मतलब चली नहीं है, है ना। तो ये गाड़ी पूरी ओरिजिनल चली गाड़ी है और डबल एयरबैग है, सबसे टॉप का मॉडल ये 2005 में, उस समय जो सबसे टॉप का आ रहा था ये वो मॉडल है, जिसमें आपको डबल एयरबैग, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, सारी चीज़ें मिल जाएंगे, सबसे टॉप का मॉडल है। तो सेवन सीटर है ये, और ओनर फर्स्ट है, सेकेंड ओनर, तो ओनर सेकेंड है ये गाड़ी। और गाड़ी की कंडीशन अंदर बाहर से एकदम बेहतरीन है, और गाड़ी देखते हुए आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, गाड़ी पूरी ओरिजिनल यूज़ की हुई गाड़ी है, कहीं से भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। टायर की बात करें तो टायर भी इसमें नए डलवा रखे हैं ना आप। तो क्या प्राइस हो जाएगा इसका हमारे लोगों के लिए? 3,35,000। तो 3,35,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, 2005 मॉडल है, तो लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि ये गाड़ी का जो टाइम है, रजिस्ट्रेशन है, क्या वो री रजिस्ट्रेशन करा करके देंगे। तो इस गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करा करके देंगे, 5 साल तक आप आराम से पूरे यूपी में गाड़ी ये चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं आनी है। तो बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है। अच्छा, प्राइस जो है वो निगोशिएबल प्राइस है। एक बात और भाई ने बोला कि अगर गाड़ी ज़्यादा चली होती, ज़्यादा यूज़ की होती, गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल है इसलिए इसके पैसे इतने हैं, है ना, ओरिजिनल की वजह से।
तो फिर हम बढ़ गए हैं अगली गाड़ी की ओर, और अगली जो इनोवा है वो भी ओल्ड मॉडल में है, 2005 मॉडल है। तो 2005 मॉडल ये भी है, सिल्वर कलर में गाड़ी है, लखनऊ नंबर गाड़ी है ये, UP 32। तो इस गाड़ी का भी री रजिस्ट्रेशन करा करके देंगे आप कि अच्छा ये फिटनेस वाली है, ये 8 सीटर है। तो दोस्तों ये 8 सीटर है, ये फिटनेस वाली, इसका साल भर में फिटनेस होता है। तो इसका री रजिस्ट्रेशन अभी जो है, इसमें री रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है इसमें, है ना, इसमें सिर्फ फिटनेस होता है, हर साल फिटनेस होगा इसका। तो फिटनेस में क्या खर्चा लगभग लग जाता है, वही लगता है 2500 रुपये। 2500 रुपये तो साल में 2500 रुपये लगते हैं। 8 सीटर है ये, और मॉडल 2005 है। कितना चली लगभग अभी तक? एक लाख चली है। अच्छा, 1 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। जेन्युइन चली 1 लाख? तो जेन्युइन चली है भाई, बता रहे हैं 1 लाख किलोमीटर। ओनर फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर है। तो फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, और गाड़ी की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन है, अंदर बाहर से बढ़िया कंडीशन है गाड़ी की। तो हमारे लोगों के लिए क्या प्राइस लगभग शायद भाई हो जाएगा इसका? ये हो जाएगी आपकी 2,70,000। 2,70,000। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन डील है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और 2,70,000 में आपको मिल जाएगी एक बेहतरीन इनोवा। मतलब इनोवा की बात करें अगर, तो 5-6 लाख, 8 लाख, 10 लाख इससे कम में आती नहीं है, लेकिन बहुत से लोग सपना रखते हैं कि इनोवा रखे। तो इनोवा अच्छी कंडीशन में है, कम पैसे में जिसको इनोवा यूज़ करना हो, चलाना हो, ये फिक्स प्राइस नहीं है 2,70,000 रुपये। आप ऑन टेबल जब आएंगे भाई के यहाँ, हमारे चैनल के माध्यम से आएंगे, तो कम होगा, है ना। और अभी आपको इसमें ये भी नहीं कि इसका टाइम ख़त्म हो गया, पूरे UP में आराम से आप चला सकते हैं। 8 सीटर है ये, और 8 सीटर तो काफ़ी काम आ जाती है गाड़ी। डीजल से माइलेज लगभग 12 का होगा इसका, 15 का माइलेज है। तो हाईवे पे, सिटी में लगभग 12-13, है ना। तो वेरिएंट कौन सा है ये? ये है सेकंड टॉप। सेकंड टॉप है, इसमें एयरबैग तो होंगे नहीं? तो ये सेकंड टॉप है, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो आपको मिल जाएगा, पावर विंडो है ना, तो पावर विंडो इसमें आपको मिल जाएगा। प्राइस 2,70,000, फर्स्ट ओनर, चली गाड़ी 1 लाख। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगली गाड़ी है आपकी ज़ैलो, और ये ज़ैलो जो है साहिद भाई कौन सा मॉडल है? 2015 मॉडल। तो ऊंचे मॉडल में अगर आपको ज़ैलो चाहिए और कम रेंज में चाहिए तो भाई के पास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2015 मॉडल है, और गाड़ी ओनर फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। लगभग कितनी अब तक चल गई है? 65,000 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड। 65,000 गाड़ी मात्र चली है ज़ैलो। ये 8 सीटर है, 7 सीटर है? 8 सीटर। तो ये आपको 8 सीटर मिल जाएगी ज़ैलो 2015 मॉडल, ओनर फर्स्ट है। इसका वेरिएंट कौन सा है? ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल है ये, तो ये टॉप मॉडल है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं लगभग? पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, अच्छा पीछे तक एसी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब टॉप मॉडल गाड़ी है ये पूरी। तो ये टॉप मॉडल गाड़ी है भाई बोल रहे हैं। और क्या प्राइस लगभग इसका रखा है आपने? रखा है 4.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, जो कि फिक्स नहीं है। ऑन टेबल आप आएंगे तो कम हो जाएगा। इस गाड़ी पे फाइनेंस हो सकता है लगभग 4 साल का, आराम से हो जाना चाहिए। तो 4 साल का फाइनेंस आराम से इस गाड़ी पे मिल जाएगा। इंश्योरेंस अभी है? ख़त्म हो गया। ओरिजिनल पेंट पे गाड़ी, ओरिजिनल पेंट पे पूरी गाड़ी, इंश्योरेंस ख़त्म हो गया। इंश्योरेंस अभी नहीं, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा आपको। एक वाइट कलर में ज़ैलो और भी है जो कि भाई दिखाना चाहेंगे। ये मॉडल कौन सा है? 2015 मॉडल ये भी है, और गाड़ी ओनर फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर ये भी है। पेंट ओरिजिनल है गाड़ी का, इंश्योरेंस अभी है। वेरिएंट कौन सा है ये? ये सेकंड टॉप। सेकंड टॉप, तो ये सेकंड टॉप है। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो मिल जाएगा। पावर विंडो नहीं है इसमें, तो इसमें मैनुअल है, ये विंडो पावर नहीं है। अच्छा, ऊपर जो एसी होती है वो भी नहीं है इसमें? छत पे एसी है, तो छत पे एसी मिल जाएगी इसमें। और आपका क्या प्राइस लगभग इसका रखा है? 3,90,000। तो 3,90,000 भाई इसका प्राइस बता रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है। और ये गाड़ी भी 2015 मॉडल है, तो वो वाली जो है 4.5 डिमांड कर रहे हैं आप, इसका जो है 3,90 कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? 15 मॉडल तो वो भी है भाई, इसमें वर्जन में फ़र्क। अच्छा, वर्जन में फ़र्क है, वो टॉप है और ये जो है सेकंड टॉप है इसलिए। अच्छा, इसमें विंडो भी पावर नहीं है, तो इसलिए उसमें इसमें रेट में फ़र्क है, वो गाड़ी टॉप मॉडल है।
तो ये आपको फाइनली मिल जाएगी 3,90,000 की। तो 3,90,000 ऑन टेबल आएंगे तो कम होगा, फिक्स प्राइस नहीं है इसका भी। ये भी गाड़ी आपकी फाइनेंस हो पाएगी। बहुत सारे भाई लोग हमारे पूछते हैं फाइनेंस के लिए, तो फाइनेंस आराम से हो जाएगी ये भी 3 से 4 साल के लिए, लेकिन उसकी कंडीशन वही है ना भाई कि सारी चीज़ें होनी चाहिए। लगभग माइलेज 15 का ये भी निकाल देती है, तो डीजल से 15 का माइलेज ये भी आराम से निकाल देती है। बाकी गाड़ी ओनर फर्स्ट है, 15 मॉडल है। तो एक ज़ेलो और भी खड़ी है यहाँ पर, जिसका मॉडल है 2010, ब्लैक कलर में गाड़ी है। गाड़ी रिपेंट है या ओरिजिनल पेंट है? ओरिजिनल पेंट है। ओनर फर्स्ट है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, भाई बोल रहे हैं पेंट भी ओरिजिनल है। थोड़ा बहुत चाहे साइडें बम्पर वगैरह इसकी पेंट होंगी, बाकी ओरिजिनल है। और गाड़ी ये एसी वगैरह सारी चीज़ें वर्किंग है, सब कुछ बेहतरीन है। टॉप मॉडल गाड़ी है, सबसे टॉप, तो सबसे टॉप मॉडल गाड़ी है ये। 8 सीटर है और इसके जो टायर की कंडीशन वो भी बिल्कुल न्यू है। अच्छा, और सबसे टॉप मॉडल है, कितना चली है लगभग? 85,000। ओनर फर्स्ट है, सेकेंड ओनर है, तो सेकेंड ओनर है और 85,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। क्या प्राइस हमारे लोगों के लिए हो जाएगा इसका? 2,80,000 रुपये। इंश्योरेंस है अभी? ख़त्म हो गया, इंश्योरेंस अभी नहीं है। 2,80,000 डिमांड कर रहे हैं, जो कि फिक्स नहीं है, नेगोशिएबल प्राइस है। आते हैं ज़ेलो, काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में ये भी खड़ी है। मॉडल कौन सा है? 2009 मॉडल ज़ेलो है ये। ओनर फर्स्ट है गाड़ी का और 8 सीटर है। वेरिएंट कौन सा है? टॉप मॉडल ये भी है, तो टॉप मॉडल ये भी मिल जाएगी। टॉप में क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाएंगी? पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पीछे तक एसी मिल जाएगी, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। और ये क्या रेंज में दे देंगे हमारे लोगों को? 2,60,000। तो 2,60,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं, जो कि फिक्स नहीं है, नेगोशिएबल प्राइस है। 2009 का मॉडल है, ओनर फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, तो बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है। अगर ये गाड़ी आपको चाहिए, अच्छा ये पूरी ओरिजिनल पेंट पे है, तो गाड़ी ओरिजिनल पेंट पे है। इंश्योरेंस वगैरह भी है? इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, वो आपको कराना पड़ेगा। काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है गाड़ी, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको, मुझे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और काफ़ी गर्मी हो रही है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एक बार दोस्तों। और मिलते हैं फटाफट एक नए वीडियो में, कुछ नया करते हुए, कुछ नई चीज़ आपके लिए लेकर के आता हूँ। और हम चलते हैं इस आपका परफेक्ट व्हील्स कार बाज़ार में, जहाँ पर एक बेहतरीन गाड़ी आई हुई है, जो कि है आपकी फॉर्च्यूनर, जो सबसे कम रेंज में। बहुत से लोग फॉर्च्यूनर जो है रखने का ख्वाब रखते हैं कि हाँ सस्ती फॉर्च्यूनर रखें, क्योंकि फॉर्च्यूनर बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है, तो हर इंसान नहीं रख पाता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर सस्ती मिल जाए तो हम ले लेंगे। तो एक गाड़ी आपकी 6,95,000 में मात्र बहुत बेहतरीन कंडीशन में वहाँ पर आई है, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कराओ जल्दी से, और जल्दी से 5,00,000 पहुँचाओ मेरा, ठीक है चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में फटाफट जल्दी से। गुड बाय, जय हिंद।